सोनी कुमारी द्वारा दाखिल जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था कंटेम्प्ट, उसका सुनवाई का आज बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए अगर ये न्यूज बिल्कुल सही है, देखिए जो विश्वास सूत्रों से मालूम चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी को प्ली पर अभी एग्री कर रहा है, और ये बहुत बड़ा अपडेट इसलिए भी है कि जितने भी TGT वेटिंग में है या PRT के शिक्षक वेटिंग में है, उन सबों का भला होने वाला, उन सारे लोगों का फायदा होने वाला है, क्योंकि जो पिछला जजमेंट आया था उसके हिसाब से बहुत सारे सीट का हो सकता है क्रिएशन करना पड़े। यही एकमात्र उपाय है। देखिए कैसे हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए पिछला बार जब सुनवाई चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 28 को तिथि निर्धारित है, और इस बीच में जो स्टेट को डायरेक्शन हुआ था कि स्टेटस को, मतलब जैसा स्थिति अभी है वही अभी बरकरार रखिए, जो नियुक्त है नियुक्त रहेंगे, जो नियुक्त नहीं है वो नियुक्त नहीं रहेंगे, ये स्थिति स्टेटस को का दिया था पिछले आदेश में। आज जब सुनवाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगली तिथि 2 दिसंबर है, उस दिन मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट को, उनको हाजिर होने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदेश स्पष्ट है उसका पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने TGT मामले में 2 दिसंबर को हाजिर होने का मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आदेश का पालन करें, कोई नई व्यवस्था। देखिए समस्या यहाँ से शुरू हुआ था कि सोनी कुमारी जब कंटेम्प्ट फाइल करके बताई कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही, और नया कट ऑफ इस तरह से समझा जाए कि जो 10,000 के आसपास जो सीटें बची थी उसके आधार पर हर सब्जेक्ट का एक स्टेट मेरिट लिस्ट बना था। तो सीटें अगर मान लीजिए कि ज्योग्राफी में 200 बचे हैं, तो 200 के लिए पूरा स्टेट का मेरिट लिस्ट, ये डायरेक्शन फॉलो स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने से हुआ क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का पहले ये आदेश ये था कि लास्ट कट ऑफ कैटेगरी वाइज निकालिए। तो लास्ट कट ऑफ निकालेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं, हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि लास्ट कट ऑफ 150 है, ये बायो और केमिस्ट्री में लास्ट कट ऑफ, और लातेहार और चैबासा का, और हाईएस्ट जो मिनिमम कट ऑफ है 194। तो जब कट ऑफ को कहाँ ले जाना है, अगर बायो सब्जेक्ट के बारे में हम सोचे तो कट ऑफ को ले जाना है 150। तो लास्ट कट ऑफ पे अगर 150 पे सिलेक्शन का बात होता है तो सिर्फ एक और सिर्फ एक रास्ता है क्रिएशन ऑफ सीट, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन जिस तरह से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी बचाई, देखिए हम शुरू से बोल रहे हैं कि जिस तरह से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी बचाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का प्रयोग करके, उसी तरह से जो न नियुक्त हुए हैं, क्योंकि उनकी क्या गलती, नियुक्त जो हो गए वो तो सरकार नियुक्ति किया, इसमें कैंडिडेट का क्या, जिस जिले में न नियुक्ति हुआ उसमें कैंडिडेट कैसे दोषी हैं। तो जो नियुक्त हो गए हैं उनको बचाने के लिए जब आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है तो इनके लिए भी करे। तो फिर दूसरा जो हर्डल सीट का आता है कि करीब करीब मोर देन 3 times सीट क्रिएट करना पड़ेगा, तो सीट क्रिएशन भी एकमात्र रास्ता बच रहा है। देखिए कुछ लोग का इसमें भी आगे जाके दिक्कत लगेगा कि जो उसके बाद 2016 के बाद अब 6 साल बीत गए, बहुत सारे लोग TGT PGT इधर करके रेडी हैं कि नया वैकेंसी आएगा, तो उनको इस मामले में थोड़ा बहुत परेशानी लग सकता है कि ऐसा करना हमारे हित में अच्छा नहीं हो। और अगर इस तरह से क्रिएशन ऑफ सीट करके 142 करके मिनिमम कट ऑफ जो लास्ट कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, अगर उस हिसाब से जैसे देखिए ST में देखिए 136 है चैबासा, हाईएस्ट आया था 168, चैबासा के 136, तो ये हुआ लास्ट कट ऑफ। उसी तरह से SC में देखिए 136 है बोकारो धनबाद गढ़वा पलामू का, BC2 में देखिए 150 गढ़वा, BC1 में भी गढ़वा साहिबगंज में 150। तो 150 पे अगर सिलेक्शन होता है, लास्ट कट ऑफ आता है, तो बहुत सारे TGT और इसी के अकॉर्डिंगली PRT में भी अगर लास्ट कट ऑफ का बात आता है तो सारे जो वेटिंग टीचर्स हैं उन सारे लोगों को फायदा होगा, बहुत सारे पोस्ट सृजित होंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगा, और आर्टिकल 142 का करके बचा सकता है। और इस तरह से कोई ये भी नहीं कह सकता कि कम नंबर वाले नौकरी में, ज़्यादा नंबर वाले बाहर। तो आगे आगे देखिए, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ ऐसा इनपुट मिला है, और डिटेल ऑर्डर आएगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये आज के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।